कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्ति आई सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर ये सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को। अभी जो माननीय गृह मंत्री जी ने अब राज्यसभा में जो बिल प्रस्तुत किया, मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से वेलकम करता हूँ, क्योंकि लद्दाख चाहते थे कि एक यूनियन टेरिटोरी बने, फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर हो, कश्मीर के जो डोमिनेंसी से, कश्मीर के जो डिस्क्रिमिनेसी से लद्दाख को मुक्त मिले, वो आज होने जा रहा है। हम इस बिल का वेलकम करते हैं। अभी तक जिन्होंने इसका सुनवाई नहीं किया, पिछले 65 साल तक जिन्होंने इस डिमांड का सुनवाई नहीं किया, लेकिन आज इस बात का सुनवाई तो हो रहा है, हम इसका वेलकम करते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला, जो रिएक्शन दे रहे हैं क्या कहेंगे? नहीं, उनको आपको पता है वहाँ पारिवारिक पार्टी है, न देश के हित में वो लोग नहीं सोचेंगे, न जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, उनको अपना फैमिली बिजनेस चलाना है, तो उसी को लेके व्यक्तव्य दे रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक जानते हैं।